अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंतहा वाली कोई सर्दी है, सूखे वाली सर्दी है, पर क्या करें, काम तो करने हैं ना। तो मैंने लगा लिया आज फिर से मशीन, कपड़े धो लिए मेरे, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे। तो छोटा सा मेरा घर है लेकिन फैमिली भी तो हमारी छोटी सी है ना। तो कुछ मैंने वॉश कर ली है हाफ, अब मैंने दोबारा मशीन लगाई हुई है। सुबह के तकरीबन नाश्ता वगैरह करने के बाद मुनीर चले गए हैं 8 बजे के बाद, तो मैंने सुबह 7:30 ही मशीन लगा ली थी ताकि जल्दी से कपड़े धो के फारिग हो जाऊँ मैं। तो जल्दी से डालती हैं ये कपड़े वगैरह और फिर करते हैं बाकी घर के काम। जी, हमारे कपड़े हो चुके हैं वॉश और मैंने ये सीएन भी वॉश कर लिया है। तो मेरा सोई पड़ी है तकरीबन, सुबह मैंने लगाई थी 7:30 बजे मशीन और अब टाइम हो रहा है 12 बजे का। तो कुछ कपड़े मैंने ऊपर डाले हैं, कुछ नीचे डाले हैं, पूरे 10 दिन के कपड़े थे तो सारी सफाई वगैरह हो गई है। मैं तो मेरे हाथ आप देख सकते हैं कि रेड हो गए हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर मेरा सोई पड़ी है कि जाग रही है। अभी अंदर का काम हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि मेरा सोई पड़ी है। मैं लगी हूँ अपनी फिश को मसाला जो फ्राई करते हैं उसकी, जो बाहर मिलती है बेसन वाली वो नहीं, मैं मसाला लगा रही हूँ नॉर्मल। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये जवे लिए हैं एक, और ये लिए हैं मैंने एक पूरी गठी ले लिया जवे की और मैंने ये छील लिए हैं। तो बाकी ये मैंने मिर्चें ली हैं हरी, और ये मैंने ग्रीन वाला धनिया लिया है। तो इन चीज़ों को हम पीस लेते हैं चट्टूवट्टे में, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको अच्छे से पीस लिया तीनों चीज़ों को, लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया इसमें। तो आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर से भी पीस सकते हैं, क्योंकि मेरे पास, आप लोगों की बहन के पास चॉपर नहीं है। इंशाल्लाह ताला चॉपर भी जल्दी खरीदेंगे। तो ये मैंने पीस लिया, तो अब इसको लगाते हैं मसाला। अच्छा, अब हम इसमें डालते हैं दही। अच्छा जी, ये भर के डालते हैं हम सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल देते हैं। एक चम्मच डालते हैं हम नमक का, एक चम्मच डालते हैं हम हल्दी पाउडर का, एक चम्मच डालते हैं हम गरम मसाले का, जो घर में नॉर्मल गरम मसाला सबको पीस के डालते हैं, ये डाल दिया मैंने भर। अच्छा जी, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मसाला लगा दिया मैंने फिश, फिश को अच्छे से मैरिनेट करने के बाद, मसाला लगाने के बाद इसको रख देते हैं कम से कम 8 घंटे के लिए। आप लाजमी रखें ताकि जो हमने मसाला लगाया है उसको वो इसके अंदर तक अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आप भी मुझे लाजमी बताइएगा आप कैसे मसाला लगाते हैं। हो चुका है तो अब ये शाम हो चुकी है, तो मैंने इसको मतलब ये 8 घंटे हो गए हैं, तो मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। वहाँ पर घी हमारा हो रहा है गर्म, तो जल्दी से गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें डालेंगे फिश। अच्छा जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, हम डाल रहे हैं फिश। अच्छा जी,
फिश हमने डाल दिया इसमें, आप देख सकते हैं। इसको हल्की आंच पे बनाएंगे ताकि घी भी ना जले और हमारा फिश भी फ्राई जो हो रही है वो भी ना ब्लैक हो जाए। हमने इसकी कर दिया साइड चेंज, तो हल्की आंच पे इसको बिल्कुल फ्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही इतनी गजब की खुशबू आ रही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे हो चुका है डन, मेरी फ़िश फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और बड़े ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये है मेरे फ़िश की फाइनल लुक। आ रही हूँ कहीं बाहर, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं एक वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा चैनल तो ग्रो भी नहीं कर रहा, और ऊपर से जो वेरिफिकेशन के लिए नंबर लगता है, तो वो जब मैं नंबर लगाती हूँ तो उसके ऊपर वो इशू आ रहा है कि आप नंबर दूसरा डायल करें या कुछ यूँ करें। तो मुझे किसी ने ये एडवाइस दिया कि आप न्यू सिम लेके तो वो नंबर डाल के देखें, तो अब मैं जा रही हूँ न्यू सिम लेने के लिए। तो पहले भी एक दिन में गई हूँ तो सिम नहीं मिली, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा या मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि मैं ऐसा कैसे अपना चैनल वेरिफिकेशन करवाऊं। तो मैं जा रही हूँ सिम लेने के लिए, अल्लाह करे कि वो सिम मैं ले आऊं और मैं वो उसका नंबर लगाऊं तो मेरा जो चैनल है वो वेरिफिकेशन हो जाए। तो चलते हैं जल्दी से बाहर, चलते हैं जी बाहर। रात हो चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, तो यहाँ मैंने उठाए हुए हैं मुनीर के ग्लव्स और नेहा के ग्लव्स, तो पहनाते हैं उनको नीचे चल के, तो फिर चलते हैं। हाँ जी जी, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे शॉप पे सिम परचेज करने के लिए। सिम लेते हैं जल्दी से, और सिम लेते हुए मैं इतनी दुआएं कर रही थी, या अल्लाह सोनिया मैं घर जाऊँ तो मैं ये नंबर लगाऊँ और जल्दी से मेरा नंबर जो चैनल है वो वेरिफिकेशन हो जाए। अच्छा, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जिनका चैनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कईयों का हो भी गया है, अब कईयों को तरीका आता है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे भी बता दें कि मैं कैसे करूँ। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। मैं जी गुलशन मार्केट सिम ले लिया हम लोगों ने, तो अब हम इधर से सूख ले रहे हैं। जल्दी से सूख लेते हैं तो फिर चलते हैं। हाय हाय, बहुत सर्दी हुई पड़ी है। हम आ चुके हैं यहाँ पे अंडे वाला बर्गर ले लें, अंडे वाला बर्गर लेते हैं। मेरा आज बहुत दिल था अंडे वाला बर्गर खाने के लिए, तो वहाँ पे अंडे वाला बर्गर तैयार होता है, तो फिर लेके चलते हैं। ये है जी हमारी गुलशन मार्केट मेन, तो जिनको पता है तो मेरा घर ही इसके करीब अरीब करीब ही है, बस यूँ समझ में आप लेते हैं जल्दी से अंडे वाला बर्गर और चलते हैं। चलते हैं जी घर की तरफ, सर्दी बहुत ज़्यादा ही कड़ी है। आप देख सकते हैं सॉरी का मैसेज आ चुका है मुझे। अभी मैं आ चुकी हूँ घर, मैंने जैसे बताया था कि मैं लेने गई हूँ अपनी सिम, क्योंकि मेरा चैनल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं थंबनेल नहीं लगा सकती। तो फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं 2-3 महीने से लगातार वीडियोस भी डाल रही हूँ और अपनी मेहनत भी कर रही हूँ कि किसी तरह शायद हो जाए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना दिल बिल्कुल मेरा टूट सा गया है कि जब मैं ये सिम भी लेके आई हूँ, मुझे किसी ने कहा कि टेलीनॉर की सिम ने शायद उसकी वजह से ये भाई आपका चैनल हो जाए, तो सिम मैंने मोबाइल में डाल लिया है, तो फिर भी वही इशू आ रहा है कि आपका चैनल वेरिफिकेशन नहीं हो सकती चैनल की, तो मेरा दिल बहुत ही अपसेट हो गया है। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि चैनल कैसे वेरिफिकेशन करूँ जिन लोगों के हो गए हैं, जिन्होंने न्यू चैनल बनाए हैं। तो मैंने एक एजेंट से भी रابطہ किया था, तो उन्होंने कहा कि आप हमें तकरीबन 5,000 दें तो हम आपका चैनल वेरिफिकेशन करवा देते हैं। एजेंट की तो कोई बात नहीं, एजेंट से तो पैसे दे के करवा लूँ, लेकिन मेरी जो अपनी इतनी मेहनत है सबकी हो रही है, अगर मेरा भी हो जाता तो क्या था। लेकिन यूट्यूबर को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो न्यू यूट्यूबर हैं उनके चैनल को आप प्लीज़ वेरिफिकेशन करवा दें, ताकि उनको कोई मसला ना हो। तो ये सिम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है,
मैं हर कोशिश करके देख चुकी हूँ। अगर कोई मेरा बहन भाई अगर कोई अच्छा यूट्यूबर है पड़ा तो वो मुझे प्लीज़ मुझे बता दिएगा कि मैं कैसे अपना चैनल जो है वेरिफिकेशन करवा सकती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।